राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियाँ लोगों को यह पैगाम देती है कि मेहनत के बल पर दुनिया में मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो सकता है। जिन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा है, उन्हें आज नहीं तो कल कामयाबी जरूर मिलती है। इस कथन का जीता जागता उदाहरण है बिहार के गया जिले से लगभग 15 किलोमीटर दूर छोटा सा गांव शेखवारा के निवासी 38 वर्षीय पशुपालक संतोष कुमार। आधुनिक युग में जहां लोग नौकरी की लालसा में भटक रहे हैं, वहीं ऐसे माहौल में बीए ऑनर्स पास संतोष कुमार खेती और पशुपालन को अच्छा मानकर इनाम पा रहे हैं। पशुपालक संतोष कुमार ने 6 वर्ष पूर्व अपनी संघर्ष भरी जिंदगी की शुरुआत दोस्तों से प्रेरणा लेकर 4 गाय से की। गाय से अच्छी आमदनी देख इन्होंने इनकी संख्या बढ़ाई, मेहनत रंग लाई। आज इन्हीं गायों के वंशबेल बढ़ने से इनके पास 36 गाय और 26 बाछी है, जिनसे इन्हें लगभग 250 लीटर सुबह शाम दूध की प्राप्ति होती है और इन्हें सालाना खर्च काट कर 2.5 लाख रुपए की आमदनी होती है। हमने ये 4 गाय से ये व्यवसाय शुरू की थी शुरू, और आज हमारे पास ये 6 साल में करीब 36 गाय और 26 बछिया हैं, और सभी का देख रेख मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ। शुरुआती दौर में संतोष कुमार पुरानी पद्धति से ही पशुपालन किया करते थे, किंतु आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण ने संतोष कुमार की लगन को देखकर तकनीकी विधि से पशु प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया। किसान सम्मान योजना 2007-08 का, उसमें उन्होंने अप्लाई किया। उसी क्रम में जब पहली बार यहां पर जांच टीम आई किसान सम्मान योजना की, तो उन्होंने देखा कि इनके द्वारा जो किए जा रहे कार्य हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं। पात्मा के द्वारा जो विभिन्न प्रशिक्षण होते हैं उसमें भागीदारी करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर हम ट्रेनिंग ले लेंगे तो हम इसको और अच्छे से कर सकेंगे। वहाँ पर हमने इन्हें भेजा प्रशिक्षण के लिए समय समय पर, और इसका नतीजा है कि ये अब पशुपालन को बेहतर ढंग से करने के लिए तत्पर हुए हैं और अपने काम को और आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। इस तरह से श्री कुमार पशुपालन को व्यावसायिक रूप देने के लिए आत्मा के विभिन्न कार्यकलापों में भाग लिया और उनसे प्रशिक्षण प्राप्त कर नई तकनीक विधि से पशुपालन करना शुरू किया। कुछ दिन पहले हमने प्रशिक्षण भी लिया था बामेती के सहयोग से, बिहार कॉलेज ऑफ वेटनरी कॉलेज में मेरा प्रशिक्षण हुआ था। उसके बाद से हमें और उत्सुकता बढ़ी है कि इसको हम एक इंडस्ट्री के रूप में देखना चाहते हैं। आगे के दिनों में इसको उद्योग का दर्जा देंगे, इसमें जहाँ तक के होगा इसको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। संतोष कुमार के पास जर्सी, साहिबाल और फिर्जियन जैसी संकर गायें हैं, जिनका पोषण और उनका प्रबंधन बेहतर तरीके से करते हैं। वे अपने कुछ कृषि योग्य भूमि में पशुओं के लिए सुडान घास, बरसीम जैसे पोषक युक्त चारा का उत्पादन कर पशुओं को खिलाते हैं। जो हरा चारा का उत्पादन हमारे किसान भाई बहुत कम करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बिहार में शायद सभी जगह किसानों में जागरूकता का अभाव है और वो हरे चारा के उत्पादन की बजाय कैश फसलों का और खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में अधिक विश्वास रखते हैं। तो मैं उन किसानों से जो केवल पशुपालन को व्यवसाय के रूप में करते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि हरे चारे का उत्पादन उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम पशु को हरा चारा देंगे तो हरे चारे देने से हमारे जो पशु की आवश्यकता है खनिज की, विटामिन की, जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं सभी मिल जाते हैं। लेकिन अगर वो हरे चारे नहीं देते हैं, केवल वो भूसा या पुआल पे अपने पशुओं को निर्भर रखना चाहते हैं, उस अवस्था में पशु को जितने मात्रा में पोषक तत्व चाहिए हैं वो नहीं मिल पाते हैं और पशु दूध कम देता है और आगे आने वाले समय में वो बीमारियों से भी ग्रसित हो जाता है। श्री कुमार के अनुसार उचित आहार प्रबंधन से दूध की मात्रा में 20-25% की बढ़ोतरी होती है, इसलिए वे अपने पशुओं को मक्का, मूंगफली, तीसी और सरसों की खल्ली, गेहूं का चोकर, गुड़, नमक और मिनरल जैसे पौष्टिक आहार खिलाते हैं।
हम आहार बनाते हैं सभी, जैसे मकई का सभी का 20-20%, मकई हो गया 20%, आपको ये चना बेसन हो गया, उस दलिया में चना का बेसन दे देते हैं, फिर उसके बाद आपको ये चना गेहूं का चोकर देते हैं, फिर ब्रांड दे देते हैं, चावल का पॉलिश जिसको कहा जाता है उसका ये दे देते हैं, उसके बाद गुड़ छोवा जिसको बोला जाता है वो दे देते हैं, खल्ली आपको 20% खल्ली दे देते हैं, और मिनरल मिक्सचर दे देते हैं, इंडियन ऑमलेट कल का है मिनरल मिक्सचर वो देते हैं, कैल्शियम दे देते हैं, फिर नमक दे देते हैं प्रति 100 kg पर 1 kg नमक। इसके अलावा वे इनकी साफ सफाई पर भी ज्यादा ध्यान देते हैं। पशु रोग ग्रस्त हो जाने पर कुशल पशु चिकित्सक द्वारा ही वे अपने पशुओं का उचित इलाज करवाते हैं। संयुक्त परिवार में रहने वाले संतोष कुमार पशुपालन के अलावा कृषि और बागवानी भी करते हैं। इनके पास लगभग 70 से 80 बीघा जमीन है जिन पर ये धान, मक्का और गेहूं की खेती करते हैं, जिनसे इन्हें सालाना खर्च काटकर 1.5 लाख रुपए की आमदनी होती है। इसके अलावे खेती करते हैं फसल का, जिसमें आपको मकई का, धान, गेहूं, चना, मसूर इत्यादि का भी ये फसल का खेती करते हैं। इनके पास 1 एकड़ जमीन पर 2 तालाब है जिनमें ये मछली पालन किया करते हैं। मछली पालन के लिए 2 तालाब भी है, 1 एकड़ का, 1 एकड़ में 2 तालाब बनाए हुए हैं, छोटा छोटा है। साथ ही पशुओं को चरने के लिए इन्होंने चारागाह भी बना रखा है। आज संतोष कुमार एक कुशल पशुपालक के साथ साथ सफल उद्यमी हो गए हैं। वे कृषि अवशेषों का अधिकतम उपयोग पशु खाद में प्रयोग करते हैं और पशुओं से प्राप्त गोबर का प्रयोग जहां वे वर्मी कंपोस्ट निर्माण में करते हैं, वहीं वर्मी कंपोस्ट का उपयोग स्वयं के कृषि कार्य में करते हैं, जिनसे इन्हें लागत कम और उत्पादन ज्यादा होता है। अपनी लगन से जमीन से आसमां तक का सफर पूरा करने वाले संतोष कुमार की जिंदगी आज खुशी पूर्वक व्यतीत हो रही है। श्री कुमार की पत्नी भी इन्हें पूरा सहयोग देती है। इनके डेयरी फार्म को देखने और जानकारी लेने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। इनके बारे में पता चला कि डेयरी के लिए नया ढंग से प्रशिक्षण लेकर के नए ढंग से कर रहे हैं। मैं भी डेयरी चला रहा हूं, लेकिन पुरानी पत्ती से जानवर को रखे हुए हूं। तो इसको देखने के लिए मैं यहां आया, उसको देख कर, इनको डेयरी को देख कर मैं बहुत खुश हुआ। एक नए तरीके से अपना ये काम कर रहे हैं, इसमें इनको प्रगति भी है। मैं भी चाहता हूँ कि इन्हीं की तरह मैं देख करके अपना डेयरी को प्रोग्रेस में लाऊं। पशुपालक संतोष कुमार आज उन नौजवानों के लिए एक मिसाल हैं जो 2 से 4 हजार रुपये महीने कमाने की खातिर अपना घर छोड़ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर भाग रहे हैं। जिस दिन से चले हैं मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।